अब क्या है? खोल गया। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे क्या करेंगे, आज हम करने वाले हैं अपना 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दे, जिन बच्चों के पास पुरानी एडिशन है एनसीईआरटी उनके हिसाब से ये 3.4 है और नई के हिसाब से 3.3 है। ठीक है, देख के करना अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं क्या बोलता है कि फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम जो ये है, अगर इनको मतलब एग्जिस्ट कर रही है तो इनको सोल्व करना है भाई आपको। मतलब जो अंग्रेजी लिखी हुई है एनसीईआरटी वाले ने अंग्रेजी लिखी है, इसको सोल्व करके मैथ की इक्वेशन में बनाना है आपको, फिर उसका फर्दर आपको आंसर निकालना है जो पूछे है। सिंपल सी बात है। और कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है, बड़ा सिंपल है। पढ़ते हैं फटाफट से एनसीईआरटी वाले से क्या बोल रहा है अपने को। बोला है कि सॉरी, ठीक है, तो इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर आवर फ्रैक्शन बिकम रिड्यूस टू 1। ठीक है, मतलब समझाते हैं अभी क्या है। देखो पहले तो ये जान लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है और ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का मतलब क्या है। जिनको पता है अच्छी बात है, जो नहीं जानते हम उनके लिए फटाफट बता देते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब। देखो अगर मान लो 3 लिखा है, अब ये 3 फ्रैक्शन में नहीं है, अगर मैं वो लिख दूं 3/2 लिख दूं, मतलब ऊपर नीचे वैल्यू हो तो इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन कैसे बनता है, एक न्यूमिनेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा, दोनों को जोड़ के फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, तो वो अभी क्या बोल रहा है कि आपको अगर हम 1 ऐड कर दे न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट कर दे डिनोमिनेटर में से 1 ही, तो जो आंसर आएगा रिड्यूस होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ये फ्रैक्शन है। और अच्छा, एक कंडीशन होती है, एक बार पढ़ लेते पूरा, मेरे को पता भी समझ नहीं आपको, फिर भी दोबारा एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर प्रॉपर आराम से करते रहेंगे। ठीक है, तो इट बिकम्स 1/2 इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब दो कंडीशन थी, पहले तो मैं क्या बोला कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो और सबट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में 1, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, एक और कंडीशन है कि आप वो 1/2 बन जाता है अगर उसमें हम 1 ही ऐड कर रहे हैं खाली डिनोमिनेटर के अंदर, तो फ्रैक्शन बताना है। अच्छा, फ्रैक्शन किससे मिलकर बनता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं ना, तो न्यूमिनेटर को लेट करते हैं हम एक्स और डिनोमिनेटर को वाई कर लेते हैं, तो जो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारे पास, फ्रैक्शन बनेगा एक्स बाय वाई, ये बनेगा। हाँ, तो देखो अब पढ़ते हैं, पहले दोबारा से लाइन पढ़ते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में मतलब ऊपर 1 ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वहां से सब्ट्रैक्ट 1 कर दो, तो जो हमारा आंसर आएगा इट रिड्यूस टू 1, तो ये बनेगा क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा। ये भी फर्स्ट है ना, आया अब आया, अब आया वो पहाड़ के नीचे, अब आया ना। ठीक है, और एक और बोलता है इट बिकम्स 1/2, इट किसके लिए यूज कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फ्रैक्शन की ना, फ्रैक्शन की बात कर रहा है वो, कि जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाए, कब बनेगा, अगर हम इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो इट बिकम्स 1/2, तो फ्रैक्शन वो 1/2 बन जाएगा। मतलब अगर हम फ्रैक्शन के अंदर खाली डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस कर रहे हैं, 1 ऐड टू डिनोमिनेटर, खाली डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स, तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। सेकंड ईयर ये लोग बड़ा समय सॉल्व करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन बनाएंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब ये तो रफली है, प्रॉपर करते स्टार्ट। ठीक है, तो देखो, तो लिखते हैं सॉल्यूशन करें ना, तो लिखते हैं लेट द न्यूमिनेटर इक्वल्स टू एक्स, लेट द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वाई, देन फ्रैक्शन विल बी एक्स बाय वाई। ठीक है, तो दो कंडीशन है, बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं भाई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो आप ऐड करो 1 न्यूमिनेटर में और ऐड सब्ट्रैक्ट करो 1 डिनोमिनेटर में से, फ्रैक्शन ये था। ठीक है, न्यूमिनेटर में प्लस 1 करना है, डिनोमिनेटर में माइनस 1 करना है, तो आंसर क्या होगा, 1 आएगा। अब पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, समझाते हैं, सवारते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ एक चीज दिख रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप बोलो भैया हमें कैसे पता चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं। देखो भाई, वो मैं काफी बार बोल चुका हूं कि यहाँ आप प्रैक्टिस करो जितनी बार आपको दिमाग में चीजें बैठ जाती है फिर अपने आप हो जाएगा। यकीन करो अपने भाई पे यार, यकीन करो, हो जाता है। ठीक है,
तो इसको पूरे वन से मल्टीप्लाई करूं सेम ही आएगा, एक्स प्लस वन ही आएगा, और इसको पूरे वन से मल्टीप्लाई करूं ये भी सेम ही आएगा। तो वेरिएबल एक साइड कॉन्स्टेंट एक साइड, देखो तो एक्स वाई यहाँ प्लस यहाँ आगे माइनस, तो ये माइनस वन है और ये प्लस वन वहां आगे माइनस वन, तो इसको आगे लिखते हैं ना, तो ये एक्स माइनस वाई माइनस वन कितना हो गया माइनस टू। तो लो भाई ये आ चुकी है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है मैं इंक डाल लेता हूँ ना, एक सेकंड ना नहीं रुकना, इंक डाल लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन तो अपनी बन गई है, बस अब अपने को सेकंड इक्वेशन बनानी है, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। तो वही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये होगी, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की बात करते हैं वो वाले की, तो यही लिख देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है लो भाई कर दिया। तो सेकंड कंडीशन के आधार पे क्या बोलता है, बोलता है कि जो फ्रैक्शन है अगर आप डिनोमिनेटर में ओनली वन ऐड करते हो, है ना, ओनली वन ऐड करते हो डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन इट बिकम्स वन बाय टू, तो वन बाय टू बन जाएगा। अब यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा, ये ऐसे करते हैं इसको, अगर मैं एक्स को टू से करता हूं तो टू एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा लो ठीक है अब करते हैं ना, अब प्रॉपर होगा काम। अब इस पूरे को वन से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज आ जाएगा वाई प्लस वन। लो भाई अब वेरिएबल एक साइड कॉन्स्टेंट एक साइड, तो ये टू एक्स वाई को यहां बुलाओ माइनस का, तो ये हो जाएगा ये वन ही बच गया बस, तो ये आ चुका मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है सेकंड आ गई फर्स्ट इक्वेशन यह रही। दोनों को एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, लिख लेना लिख लो ठीक है। तो पहले लिखो, पहले इक्वेशन को लिखो एक्स, ये क्या एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, इसको फर्स्ट लेट करो, सेकंड ये रही टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, इसको सेकंड लेट करो ठीक है। अब एलिमिनेशन से कैसे करता है भैया, देखो भाई अगर मैं आपको समझाऊं, एलिमिनेशन का मतलब है एलिमिनेट करना, मतलब वेरिएबल को काटना। अब कौन सा वेरिएबल काट रहे हो वो मर्जी आपकी है, काटते हैं हम प्लस माइनस से ही काटते हैं। तो मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ, वैसे अगर आपने पहले लेक्चर हमारे देखे या आपको पता है आपने स्कूल में भी किया होगा कि एलिमिनेशन क्या करते हैं हम, मान लो आपको एक्स काटा तो एक्स के कोफिशियंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसके कोफिशियंट को उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर वहां सेम बनता है। अब वो मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां सेम कहानी बनते हैं, सेम बने तो कट क्या आंसर आ जाएगा। अब यहाँ ऑलरेडी सेम क्या, देखो यहाँ वाई तो ये कट सकता है या कुछ नहीं, यहाँ पता है नहीं यहाँ टू वाई यहाँ फोर वाई लिखा हुआ अलग अलग सेम है तो कट सकता है, तब कटे कैसे वो अपन देखना पड़ेगा। देखो अगर मैं उनको प्लस करूं दोनों इक्वेशन को प्लस करूंगा तो ये माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो कटेगा नहीं, पर मेरे को अगर ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो ये प्लस, तो ये वाई माइनस वाई जीरो तो कट जाएगा, तो माइनस कैसे करूं, तो मैं साइन चेंज कर दूंगा। देखो अब यहाँ क्या मन क्या है कुछ, देखो यहाँ प्लस है तो साइन चेंज कर दूंगा मैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, साइन चेंज कर दो उल्टा कर दो बस, और यहाँ प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो अब करो, देखो यहाँ मन किया है देखो प्लस, प्लस क्यों भैया, देखो जहां कुछ नहीं होता वहां साइन प्लस का होता है, तो यहाँ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस टू एक्स, देखो ये लिखा हुआ है एक्स माइनस टू एक्स, आप यहाँ गलती कर सकते हो, ये आंसर आएगा माइनस है क्योंकि टू बड़ा था, ध्यान से करना आएगा आंसर माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो वाई माइनस का यहाँ प्लस का, अब इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे हम, इसको प्रेफरेंस देंगे जो हमने चेंज कर दिया है ना, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस तो ये तो कट गया, कट गया ना, हाँ देखो बन गई कहानी, एलिमिनेट काट दिया, काट दिया। तो देखो माइनस टू और ये माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस का थ्री, तो कट गया एक्स माइनस माइनस एक्स के लिए आ गई थ्री। अब एक्स की थ्री आ चुकी है, इसको आप फर्स्ट में सेकंड में पुट करो या फर्स्ट में पुट करो मर्जी आपके, तो मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, वाई की निकाल ले रहा हूँ, देखो वाई की निकालते हैं, तो यही लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करते हैं इसको, देखो भाई फर्स्ट में पुट के फर्स्ट क्या है एक्स माइनस, अच्छा एक्स की वैल्यू है नहीं पर लिख लेते कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख लेते एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू क्या है थ्री, थ्री पुट कर दो यहाँ थ्री, तो वाई थ्री पुट कर दिया, तो ये वाई माइनस ए माइनस टू, ये प्लस का थ्री वाले का माइनस का थ्री, तो वाई ये माइनस फाइव तो कटा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई फाइव, अच्छा वाई की वैल्यू फाइव एक्स की वैल्यू थ्री। तो ये तो देखो एक्स क्या था न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर थ्री है और डिनोमिनेटर वाई, वाई क्या था क्या है मतलब फाइव आया, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, तो कहां लिखू मैं, यहां लिखू ऊपर अंतर, आपको दिख रहा है, मैं बस चेक करता हूं आपको दिख भी रहा है, ऊपर ऊपर लिखूंगा टॉप पे लिखूंगा मैं भी, दिख रहा है भाई दिख रहा है, तो यहां लिखते हैं देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू एक्स बाय वाई था ना,
उसको हम लिख सकते हैं एक्स कितना है 3 और वाई वाई कितना है 5। लो भाई फ्रैक्शन तो यही था ना, एक्स वाई 5 इसकी वैल्यू आ गई है 3/5 आंसर आया आपका। ठीक है तो स्क्रीनशॉट ले लो या छाप लो भाई, मर्जी आपकी है। ठीक है तो भाई हम आशा करते हैं आपको समझ आएगा, तो समझ आता बहुत अच्छी बात है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, सी यू देन, टाटा बाय बाय। बोलो तो सब क्या है, बोलो। अरे बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं, बोला करो।